हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो नुस्खा बताऊंगी ये इतना इजी है, इतना सिंपल है कि अगर आप इसे एक बार अपने चेहरे पर यूज़ कर लेंगे तो आप इसके रिजल्ट को देखकर दंग रह जाएंगे कि ये आपको इतना अच्छा रिजल्ट कैसे मिला है। फ्रेंड्स, ये एक इजी रेमेडीज है। फ्रेंड्स, ये एक ईजी रेमेडीज़ है और इसमें आपको ज़्यादा चीज़ों का भी यूज़ नहीं करना है। और अगर आप इसका यूज़ कर लेते हैं तो आज आपको इतना ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है कि आप सोच भी नहीं सकते। इसके लिए आपको सिर्फ दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। पहला, आपको लेना होगा रोज़ वाटर। रोज़ वाटर फ्रेंड्स हमारे चेहरे के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये हमारे चेहरे से सभी तरह की डर्ट, गंदगी, पॉल्यूशन को हमारे चेहरे से हटाता है। हमारे चेहरे पर अगर ओपन पोर्स हो जाते हैं और उनमें कालेपन आ जाता है, उनके अंदर डर्ट पॉल्यूशन जमा हो जाता है, तो ये उसे हमारी बॉडी से रिमूव करता है, हमारे चेहरे से ओपन पोर्स को हटाता है और हमारे चेहरे को गुलाबों की तरह गुलाबी निखारता है। और सबसे ज़्यादा ये हमारे चेहरे के रंग को तेज़ी से निखारने का कार्य करता है। इसके बाद आपको इसमें सेकंड चीज़ ऐड करनी होगी, वो है फ्रेंड्स लेमन, यानी कि नींबू। नींबू के अंदर विटामिन सी पाया जाता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है और बहुत से ऐसे तत्व पाए जाते हैं जिससे हमारे चेहरे के कालेपन, दाग धब्बे, ओपन पोर्स, इन सभी से छुटकारा मिलता है। जब हमारे चेहरे पर एक कालेपन की परत चढ़ जाती है, टैन की परत चढ़ जाती है, तो ये उसे भी रिमूव करके हमारे चेहरे के रंग को तेज़ी से गोरा और निखरा हुआ बना देता है। तो आपको इन दोनों चीज़ों का यूज़ कैसे करना है और कब तक इसे अपने चेहरे पर लगा कर रखना है, तो इसके लिए आपको मेरे इस वीडियो को ध्यान से देखना होगा। सबसे पहले आपको रोज़ वाटर लेना होगा। आपको अपने फेस के लिए फ्रेंड्स इसमें 1 से 1.5 चम्मच रोज़ वाटर ऐड करना होगा, क्योंकि इतना रोज़ वाटर हमारे चेहरे पर आसानी से लग जाएगा। इस तरह से आप इसमें रोज़ वाटर को ऐड कर लीजिएगा। और इसके बाद फ्रेंड्स आपको आधे कटे नींबू का रस इसमें ऐड करना होगा। इस तरह से इसमें आप आधे कटे नींबू का रस ऐड कर दीजिएगा। आपको सिर्फ इन दोनों चीज़ों का ही यूज़ करना है अपने फेस को गोरा निखारने के लिए, दाग धब्बे, झुर्रियों, पिंपल्स से छुटकारा दिलाने के लिए। तो ही आपके चेहरे को एकदम गोरा और बेदाग हमेशा के लिए बना देंगे। अब आपको इसका यूज़ कैसे करना है, इसके यूज़ के लिए आपको एक कॉटन लेनी होगी, आपको एक साफ़ कॉटन लेनी होगी। इसके बाद आप इसको इसमें इस तरह से डीप कीजिएगा और इसके बाद फ्रेंड्स आप इसे अपने फेस पर लगा लीजिएगा। इस तरह से फ्रेंड्स आप इसे अपने पूरे फेस पर लगाकर छोड़ दीजिएगा, यानी कि एक बार इसे इतनी मात्रा में इस तरह से लगाकर अपने फेस पर भूल जाइएगा। जब ये आपके फेस पर सूख जाएगा तो आपको दोबारा इस पेस्ट को लेना है और कॉटन की सहायता से इसे इस तरह से रब करना है। ऐसा करने से फ्रेंड्स हमारे स्किन के ऊपर जो टैन इकट्ठा हुआ है, जो धूल पॉल्यूशन और कालेपन की परत चढ़ी हुई है, या फिर आप अपने चेहरे के रंग को गोरा बनाना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स वो आपकी स्किन से एकदम से हटता चला जाएगा। आप देखेंगे कि आपके स्किन से कैसे कालेपन की परत हटती जा रही है और कैसे आपका चेहरा एकदम गोरा और सुंदर निखरता चला जा रहा है। तो आप इसका यूज़ कीजिए और अपने चेहरे को हमेशा के लिए गोरा और सुंदर बनाइए। अपने चेहरे को गुलाबों की तरह महकाइए। अपने चेहरे से कालेपन की परत, दाग धब्बे, पिंपल्स, ओपन पोर्स और इन सब से भी छुटकारा दिलाइए। ये एक इजी और आसान रेमेडीज है। आप इसे बिना ज़्यादा लागत के, बिना ज़्यादा मेहनत के आसानी से अपने फेस पर यूज़ कर सकते हैं और एनी टाइम आप इसे अपने फेस पर यूज़ कर सकते हैं। आपको सिर्फ इसको वीक में 2 बार यूज़ करना है और उसके बाद आप इसका और उसके बाद फ्रेंड्स आपको इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी अपने चेहरे को गोरा और सुंदर बनाने के लिए। तो आप इसका यूज़ कीजिए और अपने चेहरे को सुंदर, गोरा और निखरा हुआ बनाइए। तो ये था आज का मेरा नुस्खा। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर बाजू के बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।